आइए बच्चों चलते हैं स्पोर्ट मटेरियल क्लास 10th। यहाँ पर बच्चों मैथमेटिक्स मैंने लिया है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और अब हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 8। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बने रहें मेरी वीडियो पर, देखें और दूसरों को ज़रूर सिखाना है, ठीक है, दूसरों को भी बताएं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों अब हम जो करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं जो कि आपको आपकी अपनी जो टेक्स्ट बुक होती है उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना तो आपको पहले फॉर्मूले के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल दी हुई है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी गिवन है, तो इनके बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास किसी कारणवश से फॉर्मूले अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके लिए फॉर्मूले के से अलग वीडियो आपको बना दूंगा। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा इफ साइन थीटा इक्वल कोस थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हैं, इफ टेन थीटा इक्वल कोट और यहाँ पर ब्रैकेट 30 डिग्री प्लस थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, इसमें भी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 है इफ साइन थीटा इक्वल कोस और यहाँ पर थीटा -6 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहाँ भी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर वो रॉन्ग है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई मिस हो, ठीक है, जो लेकिन जैसे दिया मैं उसी से आंसर इसका निकालूंगा। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, जैसा आपने देख लिया है आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर आइए करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा है साइन थीटा इक्वल कोस थीटा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन थीटा इस कोस थीटा को इधर ले आए तो इधर ही आकर डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ ही रहा, यहाँ पर आ गया 1। और साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल होता है बच्चों टेन थीटा के, तो यहाँ पर इससे आगे मैं इधर कर देता हूँ, तो इसकी जगह हम लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है बच्चों, और यहाँ इक्वल 1। अब देखो टेन थीटा में ये मैं लिख देता हूँ टेन थीटा और यहाँ पर 1 ये वैल्यू है कितने डिग्री पर होती है, जी हाँ टेबल से अगर आप देखें तो 45 डिग्री पर होती है। तो थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है बच्चों 45 डिग्री आ रही है, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए टेन थीटा इक्वल कोट 30 प्लस थीटा, ठीक है बच्चों 30 डिग्री है ये, फाइंड द वैल्यू थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए मैं पहले इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ टेन थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर टेन थीटा को लिख सकते हैं हम कोट, ठीक है बच्चों, और 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इस तरीके से, फॉर्मूले अगर आपको याद हो, और ये तो है इसे यूं कहीं रहने दे, 30 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है इस तरीके से। तो हमें करना क्या है बच्चों, कोट कोट के इक्वल है तो इसकी जो वैल्यू है ना ये, इनको हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रखो माइनस थीटा, ठीक है, इस थीटा को भी इधर ले आओ, इधर ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा माइनस थीटा, और यहाँ पर 30 डिग्री और ये प्लस 90 इधर आकर ये माइनस 90 हो गया, ठीक है 90 डिग्री। तो इसको मैं इधर बढ़ा लेता हूँ, देखो -1 थीटा और 1 थीटा इधर है तो -2 थीटा हो गए, और इधर माइनस प्लस माइनस होते तो -60 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है, ठीक है, तो माइनस से माइनस का साइन हमने काट दिया। थीटा की वैल्यू अगर निकाले तो 60 डिग्री यहाँ पर है, और 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, तो 2 से जब 60 को डिवाइड करते हैं तो 30 आ जाता है। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पर फिर बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे ऊपर वाला किया है, यहाँ पर आइए मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, साइन थीटा इक्वल कॉस और यहाँ पर जो दिया थीटा -6 डिग्री, ठीक है इस तरीके से। तो हम इस साइन को चेंज कर लेंगे बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरीके से लिखेंगे, और ये डिग्री का साइन, और यहाँ पर है कॉस और थीटा और -6 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे कर लेते हैं, तो फिर वैसे ही करना, माइनस थीटा यहाँ पर, इस थीटा को भी इधर ले आए,
तो ये भी माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोस है, इनको छोड़ दीजिए, आप इनकी जो वैल्यू उनको लेके चलें, और इक्वल यहाँ पर माइनस सिक्स है, ये 90 इधर प्लस का है, इधर आकर ये माइनस 90 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक उसी तरीके से इनको ऐड करते तो माइनस टू थीटा आ जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस सिक्स और माइनस 90, माइनस 96 आ गया, और माइनस से माइनस के साइन को हम काट देते हैं। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 96 और 2 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आकर ये डिवाइड के फॉर्म में आ गया, तो 2 से इसको जब डिवाइड करते हैं 2 4 जाए 8, 2 8 जाए 16, तो थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पर आ गई 48 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया बच्चों, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, आइए इसको जल्दी से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोस ए की वैल्यू है, मैं पहले इसके लिए एक छोटी सी फिगर बना देता हूँ, ये ऐसे, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। यहाँ पर कोस ए की वैल्यू मान लीजिए कोस ये है, तो कोस ए इक्वल होता है बच्चों यहाँ पर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 7/25, और ये इक्वल होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस इक्वल हो गया यहाँ पर 7 और ये हो गया 25, तो हमें पहले बी सी की निकालनी है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए शॉर्ट में निकालेंगे, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ पर हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्यों होता क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए सी तो है 25, तो 25 स्क्वायर इक्वल, और ए बी है 7, तो 7 स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो 25 स्क्वायर होता है 625 और इक्वल यहाँ पर 49 और यहाँ पर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं इधर बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए 625 है ये, इधर ही 49 है, इसके साथ ले आएंगे तो माइनस का हो जाता है ये, और यहाँ पर ये बी सी स्क्वायर रह गया, ठीक है, इसको माइनस किया तो बच्चों यहाँ पर मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ बी सी स्क्वायर इक्वल, तो माइनस करने पे यहाँ पर बच्चों आएगा 576 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखो, अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये इधर स्क्वायर है, इधर आकर स्क्वायर रूट में हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको, 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, ठीक है, तो बी सी आ गई 24 यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। आइए हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है टेन ए प्लस कोट ए, ठीक है, यहाँ पर आइए टेन ए प्लस कोट ए, तो इक्वल यहाँ पर टेन, टेन थीटा क्या होता है बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, यानी 24/7, ठीक है, और प्लस कोट क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो 7/24, ठीक है, इस तरीके से। आइए अब 7 और 24 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि 7 के टेबल में 24 आएगा नहीं, ना ही 24 की टेबल में 7 आने वाला है, ये तो इम्पॉसिबल है, तो हम इस कंडीशन में दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7/4 = 28 का 8 कैरी 2, 7/2 = 14 और 2 = 16, ठीक है, इस तरीके से। और फिर अब ये हो गया, तो अब या तो इसको ये डिनोमीटर जो है इसे एलसीएम मान लीजिए, इस एलसीएम को आप 7 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप ये काम और कर सकते हैं शॉर्ट में, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 576 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये 76 लिख देता हूँ, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, फिर इसको अगर ऐड करें तो 625/168 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, यहाँ पर इसको भी देखिए, यहाँ पर लिखा 10 थीटा इक्वल 4/3, इसके लिए भी मैं मान लेता हूँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ए बी सी तो कुछ लिखा नहीं, तो कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो देखो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है, यहाँ पर यानी कि अगर इससे ले लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, और परपेंडिकुलर इसमें ए सी है तो ए सी बाई बी सी, इस तरीके से। तो ए सी तो है 4 और बी सी है 3, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब हमें ए बी निकालनी है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, तो ए बी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो यू कम लिखेंगे, और ए सी 4 है, 4² + 3² इस तरीके से, तो ए बी स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का 9, तो दोनों को ऐड किया था 25, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ए बी
इक्वल ये देखो इधर 25 है, इसको स्क्वायर को मैं इधर लेके आता हूँ, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देता हूँ, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो बच्चों ये 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है इस तरीके से। तो हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्योंकि जगह कम है मैं इधर ही इसको डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर 4/5 प्लस कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर 3/5 लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। और नीचे सेम नंबर वही है, सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाता है इस तरीके से। आइए आगे कर लेते हैं। तो दोनों के डिनोमीटर इक्वल है, तो इनमें से एक डिनोमीटर लेंगे और ऊपर न्यूमेटर जो है साइन के अकॉर्डिंग इनको कर देते हैं। तो 4+3 यानी 4+3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चों 1/5 आ जाता है, ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4+3 हो गया 7/5। अब क्योंकि डबल डिवाइड में आती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा के इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो 5 से 5 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर 7 आपका ये आंसर आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, इसमें से सीख कर आप दूसरों को जरूर सिखाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।